SBI क्लर्क 2021 फाइनली हमारे पास आया बुआ जी। SBI क्लर्क 2021 काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली एक वैकेंसी हमारे पास आई। काफ़ी निगेटिव माहौल चल रहा था, कुछ तो पॉजिटिव हुआ। इसमें प्रिपरेशन किया जाए, और पहले मैं इसकी डिटेल्स आपको बतलाता हूँ, फिर प्रिपरेशन कैसे करनी है, फॉर्म कहाँ से भरना उचित रहेगा, तैयारी कैसे की जाए कि सिलेक्शन का परसेंटेज हमारा हाई रहे, वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो आराम से वीडियो को देखिए और समझा जाए। सबसे पहले देखा जाए कि जो इवेंट्स के डेट हैं, तो जो नोटिफिकेशन आया है बुआ जी, आज आया है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तारीख है वो आपकी 27 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, और 17 मई तक आपका डेट है भरने का। जो एक्सपेक्टेड डेट है प्री का वो जून 2021 है, जून में ये प्री ले लेंगे, और इनका कहना है कि मेंस का एग्ज़ाम ये 31 जुलाई को ले लेंगे। अप्रैल लगभग लगभग समाप्त पे है, मतलब हमारे पास मई ही पूरा 1 मंथ का समय है। तो प्रिपरेशन कैसा रहना चाहिए, तैयारी को कैसे बूस्टअप किया जाए, ये सब हम लोग को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर जून में प्री निकलेगा तो ना जुलाई में मेंस देंगे बुआ जी, ये तो सीधी सी बात है ना। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। SC ST या फिर PWD, ठीक है, जो कि थोड़ा सा फिजिकली कोई भी इनको प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये फ़ी रखा हुआ है, हमेशा यही रहता है। इस पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए यार, एक तो ऐसा कोरोना चल रहा है, ऊपर से जो बेरोजगार बच्चे हैं उनसे 750 रुपये ले लेते हैं आप। खैर चलिए, ये तो देना ही है, कोशिश करना है कि 750 रुपये वसूल हो जाए, अगली बार हम लोग को भरना नहीं पड़े 750 रुपये। चलिए, रेगुलर वैकेंसीज है बउआ जी आपके पास 4915, और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आपके पास है 85। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कहने का बउआ जी आपके पास अर्थ है, इसमें आपके पास कश्मीर वैली और क्या दिया हुआ है, लेह एंड करगिल वैली, फिर से दबंग वैली, ऐसे कुछ करके जो इसमें है लगभग 85 वैकेंसीज हैं। मतलब कुल मिला के राउंड फिगर में एक आपके पास 5000 वैकेंसीज का एक नंबर आपके पास आ रहा है। वैकेंसीज की संख्या को खराब नहीं कह सकते हैं बैंकिंग में, और ख़ास तौर से SBI में। एक पॉजिटिव बात यह होती है कि इसके वैकेंसीज हर बार एग्ज़ाम के बाद बढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है, पिछले साल भी देखा, उसके पिछले साल भी देखा है, कि ये जो रिक्रूटमेंट लेती है, जो ये जो सिलेक्शन करती है, वो संख्या को बढ़ा के करती है। तो वैकेंसीज मायने नहीं रखते, वैकेंसीज ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन इतना में हो जाना चाहिए। दुख इस बात का है बउआ जी कि बिहार में सीट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम की बात है हम लोगों के लिए। बिहार में सीट नहीं है तो आखिर में फॉर्म कहाँ से भरना होगा, प्रिपरेशन कैसे करना होगा, और कैसे बिहार और झारखंड में सीट नहीं है, दुख की बात है। तो देखते हैं बउआ जी, मैंने ये कुछ कैटेगरी लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ हिंदी है और इंग्लिश है, जहाँ जहाँ हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखिए लैंग्वेज ज़रूरी है ना बउआ जी। तो ये जो है बउआ जी, ये आपका SC है, ये आपका ST है, ये आपका OBC है, ये EWS है, और ये जनरल कैटेगरी है, और ये लास्ट में टोटल है, ध्यान से देखिएगा। तो मध्य प्रदेश में आपके पास टोटल वैकेंसी है 78, बाकी कैटेगरी आप देख ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ पे हिंदी है तो टोटल आपके पास है 120, थोड़ा सा ठीक है। याद रखिएगा बिहार और झारखंड में सीट नहीं है, 0 दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और हिंदी है तो यहाँ पे 12 है, तो इसको तो पहले हटा ही दिया जाए, 12 सीट फाइट करने वाला होता ही नहीं है, तो क्यों 12 सीट को हम लोग देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार में बउआ जी 15 सीट है, इसको भी हटा दीजिए, 15 सीट पे फाइट कीजिएगा अंडमान निकोबार जाके, ये तो कोई बुद्धिमानी है नहीं। तो दो ऑप्शन यहाँ आते हैं 78 और 120। हिमाचल प्रदेश में बउआ जी 180 सीट है, ये भी थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है, ये भी इसमें भी लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारे पास हिमाचल प्रदेश, 3 पॉइंट यहाँ आते हैं। और देखा जाए तो बउआ जी, हाँ चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी दो लैंग्वेज है, यहाँ पे 15 सीट है, कोई बुद्धिमानी नहीं यहाँ पे जाकर फाइट करना 15 सीट में। दिल्ली में आपके पास 80 सीट है, चूँकि दिल्ली करीब है, 80 सीट ठीक है, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर कंसिडर किया जा सकता है। राजस्थान में बउआ जी 175 सीट है, तो अगर आप दिल्ली सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है कि राजस्थान सोचिए, कम से कम सीट लगभग 100 सीटें ज़्यादा हो जा रही है, तो थोड़ा यहाँ पे बेहतर लगेगा, 175 सीट आपके पास है। अब चलिए थोड़ा सा और देखा जाए,
उत्तर प्रदेश में बउआ जी हमारे पास 350 सीट है, बेहतर है। एससी में 73 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 94 है, ईडब्ल्यूएस में 35 सीट है और जनरल में 145 सीट है। ठीक है, एक फाइटिंग सीट है, बहुत अच्छा सीट है उत्तर प्रदेश में। सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश दिया गया है, 12 सीट है, तो इस पे जाने से कोई फ़ायदा हमारे पास है नहीं। अरुणाचल प्रदेश में बउआ जी 15 सीट है, मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा 12-15 सीट पर फाइट करने के लिए। मेघालय में इंग्लिश है लेकिन 14 सीट है, तो कोई प्रॉफिट हमारे लिए है नहीं, हटा दिया जाए। नागालैंड में इंग्लिश है लेकिन 10 सीट है, तो ये भी कोई प्रॉफिट हमारे लिए नहीं है, इसको हटा दिया जाए। कम से कम फाइटिंग सीट तो होना चाहिए ना बउआ जी। तब हमारे पास कुछ जगह बचते हैं जहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो उस फाइट में बउआ जी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो मैं आपको देता हूँ बउआ जी, आप रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला हम लोग बउआ जी रखते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लगभग हमारे पास 350 सीटें हैं। ठीक है, दूसरा बउआ जी देखा जाए और हमारे पास कौन सा था उत्तर प्रदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, राजस्थान वुड बी बेटर। राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में लगभग 175 सीट है। दिल्ली भी मैं रख लेता हूँ, दिल्ली में 80 सीट है, बट राजस्थान दिल्ली से बेहतर होगा अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो। अच्छा, थोड़ा सा और देखा जाए ध्यान से, इसके अलावा हमारे पास दो जगह और बच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 180 सीट है और आपके पास छत्तीसगढ़ में 120 सीट है। ठीक है बउआ जी, तो हिमाचल प्रदेश में 180 सीट लिख लिया जाए, हिमाचल प्रदेश में 180 सीट है, 180। ठीक है बउआ जी, और आपके पास छत्तीसगढ़ में 120 सीट है, छत्तीसगढ़ में 120 सीट्स हैं, और आपके पास मध्य प्रदेश में 78 सीट है, और मध्य प्रदेश में आपके पास 78 सीट है। ये वो जगह है जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज था, जहाँ पे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बिहार में हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है। तो श्योर बात है कि आई विल प्रेफर यूपी, उत्तर प्रदेश 350 सीट है, बगल में है, यहाँ पे हिट किया जा सकता है, प्रयास कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पे। अब ये तो जाहिर सा बात है कि भीड़ उत्तर प्रदेश में होगा, इसमें कोई दो इशू नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जाइए, भीड़ होगा उससे कोई बात नहीं, प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो रिजल्ट हम लोग दे देंगे। इन केस अगर यूपी जाने की इच्छा नहीं है, लग रहा है कि नहीं कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगा, उम्मीद है कि हाई जाएगा, तो मैं दिल्ली से ज़्यादा प्रीफर करूँगा बउआ जी राजस्थान, और अगर यहाँ पे मुझे प्रीफर करना होगा तो मैं हिमाचल प्रदेश को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश। तो आप तीन पॉइंट अपने माइंड में रखिए, उत्तर प्रदेश को सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए बउआ जी, जो सबसे पहला प्रायोरिटी आप दीजिए वो बउआ जी आप उत्तर प्रदेश को दीजिए, जो दूसरी प्रायोरिटी आप दीजिए बउआ जी वो आप दीजिए राजस्थान को, दूसरी प्रायोरिटी आप बउआ जी दे दीजिए राजस्थान को, और तीसरी प्रायोरिटी बउआ जी आप दे दीजिए हिमाचल प्रदेश को, बेहतर रहेगा। तीसरी प्रायोरिटी आप दे दीजिए बउआ जी हिमाचल प्रदेश को, ये तीन प्रायोरिटी रखिए। इसके अलावा देखिए, जाने को तो आप छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं, जाने को तो आप मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, जाने को तो मेघालय भी जा सकते हैं, जाने को तो ठीक है दमन एंड दीव भी जा सकते हैं, करगिल में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता है। ये एक जनरल थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से हम लोग है कि अगर उत्तर प्रदेश का कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है कि एक आध दो नंबर से रिजल्ट आ सकता था, और ऐसा कई बार देखा भी गया है, काफ़ी बच्चे इस पर सफल भी हुए हैं। तो थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा तो राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जाइए, आई विल प्रीफर। ऐसे तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश में ही दूंगा, फिर भी मेन मुद्दा है बउआ जी प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करने से ही रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन में मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जितना भी मेहनत करना होगा हम लोग मिलकर करेंगे। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए दो वीडियो तो अभी आपके पास डेली जाते हैं, तो एक वीडियो जो हमारा सिलेबस का है ये तो डेली जाएगा ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशी की बात है कि सिलेबस में एडवर्ब चल रहा है, एडवर्ब के बाद मैं थोड़ा सा प्रीपोजिशन हिट कर दूंगा तो फ़ायदा हो जाएगा। और जो सेट का हमारा वीडियो, जो हमारा सेट का डेली जा रहा था, उसमें मैं 12 या 15 क्वेश्चन दे रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि 12 या 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते करते 30 से 40 मिनट का वीडियो बन जाता है, तो उसको थोड़ा अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो मैं चाह के भी 30 क्वेश्चन अभी नहीं दे पा रहा हूँ। मुद्दा नहीं है कि 30 क्वेश्चन ही करना है, मैं कोशिश करूँगा कि 20 क्वेश्चन के आसपास मैं डेली आपको दूँ, जब तक मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ।
ठीक है। अगर मैं जल्दी ही लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। लाइव अगर आ जाऊँगा तो फिर 30 क्वेश्चन को आराम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक पढ़ाई तो चलते रहना चाहिए ना बुआ जी। तो 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली देता हूँ, ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल SBI लेवल के रहेंगे। कोशिश करूँगा इस 20 क्वेश्चन में एक पैसेज मैं आपको डेली दूँ, क्योंकि ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ जी। पैसेज इंग्लिश में जब आप पकड़ने लगिएगा ना, पैसेज बनाने लगिएगा, तो आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में पैसेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली सेट में एक पैसेज में जरूर कोशिश करूंगा, और हर एक टाइप का पैसेज में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। थोड़ा सा रीडिंग स्किल भी हमारा डेवलप होगा, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे डेली, जिसमें पैसेज रहेगा। और जितने भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो अगला सेट अब जब भी आपके पास जाएगा वो बिल्कुल अपडेटेड और फोकस एकदम SBI पे रहेगा। तैयारी मिलके करते हैं, आप लोग का सहयोग, जितना मेहनत मुझसे होगा मैं करूंगा। मिलके हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बार इस बेरोजगारी के ठप्पे को हटाया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में पढ़ाई के साथ। गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स, गुड लक। रिजल्ट आप लोग का जरूर होगा। हैव अ नाइस डे।